अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर सेवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले हमें रिवाइज़ करना है कल के टॉपिक्स को कल हमने पढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मीनस ऑफ इलेक्ट्रोलिस कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग नेक्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू इस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कि हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं जिसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक चाहिए जो कि सीमेंट ग्लास या वुड से बना हो सकता है उसमें हम एनोड और कैथोड को सस्पेंड करते हैं किसमें इलेक्ट्रोलाइट सल्यूशन में और एनोड और कैथोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच किया जाता है वो एनोड है और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है वो कैथोड कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और एनोड को एक ही मेटल का होना चाहिए कि अगर हम कॉपर प्लेटिंग कर रहे हैं किसी भी दूसरी मेटल पर तो हम कॉपर का सॉल्ट सल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर और कॉपर मेटल को एनोड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो अगर हम कॉपर मेटल को प्लेट करना चाह रहे हैं ब्रास ऑब्जेक्ट पर तो हम कॉपर मेटल का एनोड लेंगे और ब्रास को लेंगे एज द के और जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो कॉपर का सॉल्ट सल्यूशन होना चाहिए जैसे कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट को जब पानी में रिजॉल्व करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं कॉपर टू पॉजिटिव आइंस एंड सल्फ़ेट टू नेगेटिव आइंस जब सोल्यूशन में से करंट गुजरना शुरू होता है तो सोल्यूशन के जो कॉपर पॉजिटिव टू आइंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं केटाइंस केटाइंस मूव करते हैं केथोड की तरफ और केथोड पर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं इन पर जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको ये अपनी कमी को पूरा करते हैं तो केथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है रिडक्शन प्रोसेस और एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किसकी होगी कि कॉपर आइटम से बना हुआ एनोड वो कॉपर एटम्स दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और ले लेंगे टू पॉजिटिव चार्ज और बना देंगे कॉपर टू पॉजिटिव आइंस ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे थ्रू द बैटरी और कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा कि कॉपर का एनोड ख़त्म होना शुरू हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस होता है दैट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रो प्लेटिंग का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आइस प्रोड्यूस होंगे एनोड की तरफ से और वो एनोड की तरफ से जाकर डिपॉजिट होंगे कहाँ पर कैथोड पर और उतना तेजी से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस मुकम्मल होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू कोट आर्टिकल्स मेड ऑफ चीप मेटल्स, सच एज आयन और स्टील विद थिन लेयर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल स्टील ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल स्पून इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ करंट सोर्स द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बा ऑफ द मेटल फॉर एग्जाम्पल प्योर सिल्वर Thus, the spoon acts as the cathode in the electrolysis, while the bar of the metal acts the anode. The electrolyte is a solution of salt that contains the iron of the anode metal, for example, silver nitrate. As soon as electric currents start flowing through the solution, electrons begin to escape from the silver anode. This result in the formation of positively charged ions which separate from the anode and pass into the solution there they migrate towards the cathode attracted by its negative charge when they reach the cathode they accept electrons from it and change into silver atoms which deposits onto the cathode in the form of thin metallic layer the thickness of the layer depends on the conditions under which the electrolysis is conducted this process is known as electroplating